अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। बहुत सी दुआओं के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुआ हूँ। कुछ मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। एक बहन ने कमेंट किया था कि इस डिज़ाइन की मुझे वीडियो समझाएं, इसकी सेटिंग समझाएं कि इस ये पिको डिज़ाइन वाली कैसे की जाती है। तो मैं आपके लिए वीडियो लेके हाज़िर हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाली बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर लें, आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलता रहे। तो नाज़रीन, इस कपड़े को पहले आप चाइना पिको कर लें। चाइना पिको करने के बाद आपने ये दो सूत्र वाला धागा ले लेना है। इसको आपने बिल्कुल लूज़ रखना है, ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा लूज़ हो, दरमियाना लूज़ रखना है। आपने ये डबल सूत्र डालना है। ये डबल सूत्र वाले दो धागे आपको बाज़ार से बआसानी मिल जाते हैं, वान वाली दुकानों से, जहाँ पर चार पाइयों के वान वगैरह मिलते हैं। तो इस धागे की आपने सेटिंग कर लेनी है। दरमियान वाला धागा आपने टाइट रखना है, सुई वाला भी आपने टाइट रखना है, और बड़ी ऊपर वाला ढीला रखना है। तो जैसे जैसे ये आप ऐसा आहिस्ता आहिस्ता इसको कटाव बनाते जाएंगे, आपने बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल आराम से आप इसके ऊपर कटवर्क बनाते जाएँ। ये कटवर्क बारीक की तरफ होगा, ये डबल सूत्र वाला कटवर्क है, सिंगल सुई के साथ हम तैयार कर रहे हैं और ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनने जा रहा है। ये वीडियो अगर आप एंड तक देखेंगे आपको समझ आएगी, अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको ज़रा भी समझ नहीं आएगी कि कौन सा टांका कैसे निकालना है। इसको आपने पूरे पीस पर, पूरे दुपट्टे पर, आप अगर दुपट्टा बना रहे हैं तो दुपट्टे के ऊपर आप मुकम्मल कटवर्क कर लें। कटवर्क डबल धागे वाले नहीं है, आपके सामने हो रही है ये सिंगल कटवर्क, ठीक है, यानी कि सिंगल कटवर्क हो रही है। डबल सूत्र धागा डाला है और सिंगल सुई से हम इसको बना रहे हैं। ये सिंगल सुई से बहुत सारे डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं। कटवर्क बना ली है, अब इसके ऊपर हम कटवर्क बनाएंगे और छः कुंडियों के साथ पत्ती बनाएंगे। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। इसको आपने टेढ़ी करनी है, सीधा नहीं करना। अगर आप सीधा इसको अटैच करेंगे इस तरह से टेढ़ा करके इसको अटैच करना है। अगर आप सीधा करेंगे तो ये सुई के साथ जो कटान है ये निडल में चला जाएगा। ये छह कुंडियों के साथ आपने इस पत्ती बना लेनी है। पांच बना ले, छह बना ले, सात बना ले, तो मैंने इसके ऊपर छह बनाई है। अगर इसको मैं प्रेस करूँगा, जब आप दूसरे वाला कटवर्क बनाएं तो आपने इस डबल सूत्र को थोड़ा सा टाइट कर लेना है। ये जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ इसी तरीके से आपने इसको बनाते जाना है। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, बड़ा प्यारा डिज़ाइन है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा डिज़ाइन पसंद आया होगा और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से इस लाल बटन पर प्रेस करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाली घंटी पर लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलता रहे और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ देते रहें। अगर आपको इस वीडियो में किसी चीज़ की समझ ना आई हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर कमेंट करेंगे तो उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। कोई मिस्टेक हो, कुछ आपको समझ ना आए, उसको हम आने वाली वीडियो में आपके लिए एक्सप्लेन करें, आपको बताएं कि क्या हमसे मिस्टेक हुई है, और आप मिस्टेक ना करें और आप भी इसी तरह के खूबसूरत डिज़ाइन बनाते जाएं। बहुत सारे डिज़ाइन हैं जो सिंगल सुई से तैयार होते हैं। आजकल आपको कोई भी नहीं बताता, सिर्फ डबल डिज़ाइन बनाने सिखाता है। सिंगल सुई से बहुत सारे डिज़ाइन बनते हैं और आजकल ये डिज़ाइन फैशन भी है और कस्टमर पसंद भी करता है, एक ट्रेंडिंग में डिज़ाइन जा